किसानों को मिलेगा धान का पैसा, 200 करोड़ रुपए हुआ मंजूर, सभी जिलों को भेजे गए इतने करोड़ रुपए। किसानों को धान का पैसा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने पहल की है। मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री की सहमति के बाद राज्य खाद्य निगम के विभिन्न मदों से 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। यह सब कुछ कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया। किसानों की आर्थिक समस्या के मद्देनजर धान की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 200 करोड़ में से 158 करोड़ रुपए सारे जिलों को भेज दिए गए। साथ ही निर्देश दिया गया है कि किसानों को धान का पैसा जल्द उपलब्ध करा दिया जाए। इधर जिला प्रबंधकों के पास भी 163 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, यह राशि भी किसानों को दी जाएगी। जिला प्रबंधकों से कहा गया कि किसानों को राशि देने के बाद कितनी राशि की जरूरत होगी इसका ब्यौरा भेजें। अब तक किसानों को धान के एवज में करीब 324 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका, अब भी बड़ी राशि बकाया है। इस बार विभाग प्रयास कर रहा है कि किसानों का उनका पैसा समय पर मिले। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से 48 लोगों की मौत, 2321 नए संक्रमित सामने आए। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से जहां 48 लोगों की मौत हुई, वहीं संक्रमण के 2321 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने आज इसकी जानकारी दी। विभाग के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में पिछले 4 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण और संक्रमण से होने वाले मौतों की संख्या में कमी आई और प्रदेश में 14 मई को जहाँ 108 लोगों की मौत हुई, वहीं संक्रमण के 4,991 मामले सामने आए। आंकड़े के अनुसार में प्रदेश में संक्रमण से हुई 48 मौत के बाद प्रदेश में मृतकों की कुल संख्या 4,479 तक पहुंच गई, जबकि संक्रमण के 2,321 नए मामले सामने आए। ब्लैक फंग्स को लेकर टेंशन में सीएम हेमंत सोरेन, अधिकारी को दिए आदेश। झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव के साथ ही ब्लैक फंग्स के भी कई मरीज मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता व्यक्त करते हुए एक्टिव हो गए। सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंग्स को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि ब्लैक फंग्स के संक्रमण पर तत्काल प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए। मुख्यमंत्री सोमवार को रामगढ़ जिले के घाटों में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि कोरोना संक्रमित मरीज और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को ब्लैक फंग्स का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर नज़र बनाए रखने की जरूरत और यह संक्रमण आगे ना फैले इसके लिए आवश्यक इंतजाम किए जाए। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि संक्रमण से प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान कराई जा रही है। अब तक 7.58 लाख लोगों ने बनाया ई पास, आज 5 लाख पास बांटे। सोमवार को ई पास बनाने की प्रक्रिया तेज होने के बाद देर शाम तक कुल 7.58 लाख ई पास निर्गत हो चुके थे। इनमें से 5 लाख से अधिक पास सोमवार को ही बने हैं। कुल बने ई पासों के हिसाब से 28,000 से अधिक ई पास इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए बने हैं, जिनमें 5,026 पास धनबाद के लोगों ने बनवाए हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए 1.53 लाख लोगों ने पास बनवाए। चक्रवाती तूफान तौकते का झारखंड पर असर नहीं, बूंदाबांदी से मौसम बदला। चक्रवाती तूफान तौकते का धनबाद समेत पूरे झारखंड पर बहुत असर नहीं पड़ा। दोपहर बाद हल्की बारिश और आंधी के साथ मौसम का मिजाज बदला, लेकिन एक घंटे में फिर से धूप निकल गई। रविवार को दिन भर कड़ी धूप की वजह से उमस वाली गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन थोड़ी देर में मौसम साफ हो गया। फिर रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होगी, इससे गर्मी में से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच रहेगा। इस हफ्ते गर्मी से बहुत राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है, कभी हल्की बारिश तो कभी कड़ी धूप, कभी उमस का एहसास कराएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना हेमंत सरकार का लक्ष्य। रूरल एरिया में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर हो रहा विचार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ जिला स्थित मांडू प्रखंड में डीएवी स्कूल घाटोटांड में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाली कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की प्राथमिकता निकाय सीएम श्री सोरेन ने कहा कि रामगढ़ जिले के अधिकतर क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा खनन कार्य किए जाते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोमवार को राज्य सरकार एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 80 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। संकट की इस घड़ी में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा किया गया यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सभी के समन्वय प्रतिबद्धता और प्रयास से और मजबूत होगी। सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण से इस लड़ाई को जीता जा सकेगा। इन कामों के लिए बाहर निकलने पर ई पास की जरूरत नहीं। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान अब वैक्सीनेशन, दवा खरीदने, इलाज या स्वास्थ्य जांच के लिए जाने पर ई पास की जरूरत नहीं होगी। पूर्व की तरह शव यात्रा के लिए भी ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य चीज़ों के लिए 3 घंटे का ही पास बनेगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं सोमवार को भी ई पास बनाने की वेबसाइट नहीं खुल रही है। बार बार सर्वर डाउन होने की शिकायतें आ रही है। दूसरी ओर रांची में लगे लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर तर्फी कराने के लिए ई पास निर्गत किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुंदाग ओपी के पुलिस ने राजेंद्र साव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेंद्र हजारीबाग के केलीडारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मामले के मोटर या निरीक्षक मुकेश कुमार ने आरोपी के खिलाफ पुंदाग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड सरकार उठाएगी अंतिम संस्कार का खर्च। शमशान की लकड़ियों के लिए परिजनों को नहीं करना होगा खर्च। कब्रिस्तान में भी कोरोना संक्रमितों के लिए सरकार की तरफ से होंगे इंतजाम। झारखंड में अब कोरोना से होने वाली मौतों की अंतिम संस्कार का खर्च सरकार वहन करेगी। खासकर लकड़ियों के लिए परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। कब्रिस्तान में भी सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसकी घोषणा सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समस्याओं की पहचान हो रही है सरकार उस पर काम कर रही है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने को सरकार लगातार पहल कर रही है। अगर कोई कंपनी राज्य में वैक्सीनेशन प्लांट लगाने को इच्छुक होंगे तो सरकार उसकी मदद करेगी। उन्होंने सोमवार को टाटा की ओर से डीएवी स्कूल घाटोटांड मांडू में 80 ऑक्सीजन युक्त बेडेड कोविड हॉस्पिटल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कोरोना के खिलाफ जंग। रांची में पंचायत स्तर पर कोविड टास्क फोर्स बनाने का निर्देश। एएनएम सहिया और सहायिका मिलकर गांव-गांव में संक्रमितों को करेगी जांच। रांची में शहरी क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को काबू करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से अब पंचायत स्तर पर कोविड टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इस टीम में एएनएम सहायिका और सहायक रहेंगी। ये टीम डोर टू डोर और अति संक्रमित क्षेत्रों में जाकर जांच करेगी। जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट पंचायत स्तर पर ही बनाई गई टीम के माध्यम से होगा। जिला स्तरीय गठित कोविड कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डीसी छवि रंजन ने इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेहनत का असर अब धारातल पर दिखने लगा है। व्यवस्था बेहतर हो रही और जिला में स्थिति पटरी पर लौटती दिख रही है। कोरोना वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो ई पास की नहीं है जरूरत, सिर्फ दिखाना होगा डॉक्यूमेंट। झारखंड में मिनी लॉकडाउन जारी है। आगामी 27 मई तक यह लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सख्त पाबंदियां भी लगाया गया है। बिना ई पास के आवाजाही पर सख्त मनाही है। इस दौरान अब कोरोना वैक्सीन के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। टीकाकरण के लिए जाने वाले लाभार्थियों को इससे संबंधित दस्तावेज की मांग किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट अधिकारियों को दिखाना जरूरी होगा। कोरोना टीकाकरण के लिए पहला डोज लेने वाले व्यक्तियों को बुक किए गए स्टॉल से संबंधित दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। साथ ही जो व्यक्ति वैक्सीन का दूसरा डोज लेने जा रहे हैं उन्हें पहला डोज लेने के बाद पोर्टल से जारी
जारी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।